सोशल मीडिया पर ठगी करने वाले नाइजीरियन गिरोह का हुआ पर्दाफाश। गिरोह में 5 नाइजीरियन और 2 इंडियन थे शामिल। फेसबुक पर दोस्ती कर ठगी करते थे ये लोग। पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए किया सभी को गिरफ्तार। अक्सर आपने ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में सुना होगा, फेसबुक पर किसी लड़की के नाम से किसी लड़के को फ्रॉड करते हुए भी सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक नाइजीरियन गिरोह के बारे में, जी हाँ, जो फेसबुक के जरिए ही लोगों से पैसे ऐंठने का काम करता था। हरियाणा के फरीदाबाद में साइबर क्राइम पुलिस टीम ने फेसबुक पर विदेशी लड़की बनकर लोगों से दोस्ती करने के बाद धोखाधड़ी करने वाले एक नाइजीरियन गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस नाइजीरियन गिरोह में 5 नाइजीरियन और 2 इंडियन हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरोह दिल्ली के NCR में सक्रिय था और फेसबुक पर लोगों को फंसाने के बाद उनसे पैसे ऐंठने का काम करता था। अब आपको बताते हैं कि कैसे ये गिरोह काम करता था। इनमें पहले एक नाइजीरियन फेसबुक पर लड़की बनकर दोस्त बनता था और फिर सामने वाले व्यक्ति का विश्वास जीतने के बाद उसे विदेश से गिफ्ट भेजता था, जिसमें सोने और डायमंड के आभूषण होते थे। इस पार्सल को फेसबुक पर बनाए गए दोस्त तक पहुंचाने के लिए दूसरा टीम मेंबर एयरपोर्ट से कस्टम ऑफिसर बनकर फोन करता था और फिर पार्सल को डिलीवर करने के एवज में एक बैंक खाते में पैसा जमा करवाने के लिए कहता था। इस तरह से पूरे जाल में इस गिरोह ने कई लोगों को अब तक फंसाकर उनसे लाखों के रुपए की धोखाधड़ी की है। वही पुलिस प्रवक्ता ACP धारणा यादव ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति की शिकायत के बाद इस गिरोह के सभी सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। 5 नाइजीरियंस को अरेस्ट किया गया है, 2 इंडियंस भी हैं उनके साथ। ये सभी लोग मिलके फेसबुक पे ऑनलाइन चैटिंग करते थे। इनमें से एक जो नाइजीरियन है वो लड़की बनके चैटिंग करता था फेसबुक पे। उसके बाद जब फ्रेंडशिप हो जाती थी तो फ्रेंडशिप के नाते उसको पार्सल भेजने का वादा होता था, और पार्सल फिर फ़ोन करके दूसरा जो इनमें से अरेस्ट किया है वो कस्टम ऑफिसर बनके फ़ोन करता था कि आपका पार्सल आ गया है, इसमें गोल्ड का सामान है और आपको इस अकाउंट में इतने पैसे जमा कराने पड़ेंगे वरना डिलीवर नहीं होगा। इस तरह से करके जो कंप्लेनेंट है हमारे, उनसे लगभग 35,500 रुपये इन्होंने 3 बार अपने अलग अलग खातों में जमा करवा लिए। बहरहाल इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन ऐसी घटनाओं से खुद को बचाने के लिए हमें जागरूक रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABC स्टार न्यूज़।